Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 12 of banking and in this lecture we will complete banking part. Okay, और अगले lecture से हम चालू करेंगे क्या? Fiscal system and budgeting, जिसमें हम fiscal deficit, public debt और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. Okay, budgeting का भी थोड़ा बहुत part पढ़ेंगे कि रेल merging of railway budget and everything we will cover, plan, non-plan, expenditure, ठीक है, सब कुछ complete हो जाएगा वहाँ पर, don't worry. But I am not going to cover the budget part, okay, because फैब में फिर से एक नया बजट आएगा, उसको आराम से अच्छे से एनालाइज करेंगे बिकॉज क्वेश्चन वहाँ से एक्सपेक्टेड है, ना कि इस ईयर बजट से. ओके, तो चलिए चालू करते हैं. आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है बासेल नॉर्म्स. ठीक है, इसको लोग बासेल भी बोलते हैं, बेसिल भी बोलते हैं, भैया जो इसको बोलना है बोलते रहना, आई डोंट हैव एनी इशू. मैं दोनों शब्दों का यूज़ करता रहूँगा जिससे दोनों साइड्स खुश होती रहें. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि बासेल नॉर्म्स को इशू कौन करता है. देखो, बासेल नॉर्म्स को इशू करता है बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. कौन? बैसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. ठीक है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो BIS में लोकेटेड है. BIS मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट. अभी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है? देखो, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक्स का बैंक है. ठीक है, आप सब जानते हैं हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके बाद आता है US में US फेडरल रिजर्व. ओके, इन द सेम वे हर कंट्री में हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है. तो सारे के सारे सेंट्रल बैंक इस जो पार्ट है, मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसके मेंबर हैं. और ये सारे सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक एक्ट करता है. आप कह सकते हैं ये इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक है. ठीक है, अब ये उनको थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, थोड़ी बहुत टेक्निकल एडवाइस करता है, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी कर देता है. ओके, और आप सब जानते हैं बासेल कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, तो मतलब बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज अंडर BIS, मतलब दोनों की बॉडी कहाँ पर लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में. ठीक है, अब याद रखना जो बासेल नॉर्म्स है उनको बेसिल अकॉर्ड भी कहा जाता है. बासेल नॉर्म्स को बेसिल अकॉर्ड भी कहा जाता है. तो सबसे पहली बार जो हमारे यहाँ बासेल नॉर्म्स आए थे वो एक्चुअली 1997 की जो आशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसके बाद आए थे. ठीक है, अब देखो ये जो आशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थी इसने ना ही US को इम्पैक्ट किया था और ना ही EU को इम्पैक्ट किया था. अब जब इन दोनों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो आपके साथ तो पूरी मतलब वर्ल्ड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा. तो सिंपल सी बात है, इस पे उस टाइम पे किसी का ध्यान नहीं था. लेकिन उसने दो नॉर्म्स निकाले थे, एक था बासेल वन और दूसरा था बासेल टू. बासेल वन में यूजुअली रिस्क को बताया गया था, मतलब कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं बैंक को, जिसमें था क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क, जो मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पर हेडिंग सुन लो. इसके बाद बासेल टू आया. बासेल टू में जो रिस्क थे उनको एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब एक दो रिस्क और जोड़ दिए गए और बोला गया कि भाई अगर आपको बैंक्स को बचाना है इन सब रिश्ते, तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनको आपको ज़्यादा पावर देनी चाहिए, उनको सुपरवाइजरी पावर ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, ये बासेल वन और बासेल टू में यही डिस्कस होता है. याद रखना बासेल वन और बासेल टू बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बासेल थ्री नॉर्म्स. और एक चीज़ और, ये जो बासेल है ये काफ़ी पुराना टॉपिक हो चुका है. ठीक है, जो बासेल बेसिल जो भी है ये काफ़ी पुराना टॉपिक हो चुका है, इसलिए UPSC से क्वेश्चन नहीं पूछेगा. बस ये न्यूज़ में रहता है और इन द सेंस ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस, अगर आप बोलेंगे कि भाई सर ने तो ये बासेल पढ़ाई नहीं, बेसिल पढ़ाई नहीं, इसलिए बस मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, समझ में आए ना आए डजंट मैटर, बस हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको समझ लेना, बाकी कुछ नहीं आएगा. ठीक है, अब हम आते हैं बेसिल थ्री पे. अब जो बेसिल थ्री है ये एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस जो आई थी 2008 में, मैंने आपको बताया था सब प्राइम क्राइसिस, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि जब BOP पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सब प्राइम क्राइसिस. तो उस टाइम पे जब ये सब प्राइम क्राइसिस आई थी तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ US में नहीं मिला था, EU में भी मिला था, जहाँ तक कहते थे पूरे वर्ल्ड में मिला था. इंडिया में भी काफ़ी हद तक इसको फील किया गया था. ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स कहती है बिल्कुल भी फील नहीं किया गया था, कुछ कहती हैं फील किया गया था, बिकॉज इंडिया की उस टाइम पे जो आप कह सकते हैं ग्रोथ थी वो 8-9% के आसपास थी. लेकिन इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे है, मतलब नॉट दिस टाइम या इवन दिस टाइम, तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा है कि जो भी मतलब इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी वो 3-4 साल बाद, मतलब हर इकोनॉमी में डिफरेंट टाइम पीरियड होता है, तो इंडियन इकोनॉमी 3-4 साल बाद फील होना चालू हुआ. लाइक फॉर एग्जांपल हमारी ये जो 2008 पे इकोनॉमी उफान पे थी, ठीक है, लेकिन जब 2008 के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट आना कम हुई तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 2015-16 के आसपास देखने को मिला. ठीक है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है. ओके, तो हर्ट हुआ था, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो आप पूरा ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई थी इंडिया, थोड़ी बहुत हर्ट हुई थी. ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे BOP में, डोंट वरी, वहाँ पर अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा. अब देखो ये जो मैंने आपको बताया बासेल वन एंड बासेल टू के बारे में. ओके, अब बासेल थ्री के अंदर 3 पिलर्स आते हैं, इनको याद रखना अगर याद हो सके तो, अदरवाइज नॉट टू वरी. पिलर वन में आता है रिस्क, मतलब सारे के सारे रिस्क डिफाइन किए गए हैं. इसके बाद पिलर टू में बोला गया कि भैया अगर आपको इनको बचाना है तो आपको बैंकिंग सुपरविजन बढ़ाना पड़ेगा. सिंपल भाई,
जो बासेल वन था और बासेल टू को कंबाइन करके पिलर वन, दैट मीन्स पिलर वन एंड पिलर टू बना दिया गया है, ओके, बिकॉज उस पर किसी का फोकस नहीं था, तो इनको भी इंक्लूड किया गया, मतलब सारे के सारे रिस्क डिफाइन किए गए। और जो ये बोला गया कि जो भी बैंक सुपरवाइजर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंडिया, इनको पावर ज़्यादा दो भाई, जब भी तो ये लोग कंट्रोल करेंगे। और आखिरी में कुछ मतलब जो रिस्क होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल CAR, मतलब क्या क्या होना चाहिए, इसके बाद काउंटर साइक्लिकल, ये जितने भी पॉइंट आते हैं, ओके, लाइक हाँ, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर हो गया, और इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम इन पेन, वेट अ सेकेंड। यू नो इट्स फाइन, ओके, सॉरी सॉरी फॉर द इशू। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि भाई यहाँ पर हमारा ये जो बबासिल थ्री है, यहाँ पर इसके अंदर तीन पिलर थे। पहले पिलर में था विच इज़ मेड अप ऑफ रिस्क, दूसरे पिलर में था इन लार्जेस्ट द रोल ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया पिलर थ्री में। ठीक है, सबसे पहले हम रिस्क को समझते हैं। ठीक है, इन टोटल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क। सबसे पहला आता है क्रेडिट रिस्क। ठीक है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि भाई जो बॉरोअर होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी बैंक से बॉरो करते हैं लोन, वो लोग पैसा वापस नहीं करेंगे। सेम एनपी वाली प्रॉब्लम याद आ गई, उसी को बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज विजिबल, ओके, लाइक ऑपरेशनल रिस्क। तो समझ गए भाई, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहे हो, जो प्रॉफिट से जो भी स्टाफ का पैसा नहीं निकल रहा है, आपने जो AC लगवाया उसका बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हो, जैसे दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, लाइक आपके यहाँ साइबर अटैक हो गया, सिक्योरिटी अटैक हो गया एंड एवरीथिंग, फ्रॉड्स हो गए, लाइक हमारे माल्या साहब, ये सब आ जाएगा ऑपरेशनल रिस्क में। ठीक है, इसके बाद आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब कि आपने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और इकोनॉमी डूब गई तो आपका बैंक भी डूब जाएगा, ओके, दिस इज द थिंग। तो हमने पिलर वन में क्या देखा, कितने रिस्क हैं, टोटल तीन रिस्क डिफाइन किए गए थे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। इसके बाद पिलर टू में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पिलर टू में क्या करना है। पिलर टू में हमें जो भी बैंक का जो सुपरविजन है, ठीक है, बैंक का जो सुपरविजन है वो बढ़ाना है, मतलब सेंट्रल बैंक का सुपरविजन बढ़ाना है, जिससे कि जो सेंट्रल बैंक है बाकी बैंक्स पे कंट्रोल कर सके और उनको डिफॉल्ट करने से या उनको लॉस में आने से बचाए, ओके। अब इसके बाद पिलर थ्री में दो चीज़ों की बात की गई है। सबसे पहला आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखो ये आपने बहुत सुना होगा, CAR या CRAR। देखो ये क्या होता है कि बैंक का जितना भी रिस्क वेटेड क्रेडिट है, ठीक है, मतलब जो जिस पर रिस्क ज़्यादा है, मतलब अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर्स में इन्वेस्टेड है या उसे लाइन ऑफ क्रेडिट में दिया गया है, इस टाइप का कुछ है, ठीक है, अगर और उसके अपॉन में, ठीक है, उसके अपॉन में जितना भी बैंक का टोटल, दैट मीन्स आप कह सकते हैं वॉट इट कैन बी कॉल्ड एज बैंक का टोटल एसेट, ठीक है, जब इन दोनों का डिवीजन करते हो तो CAR निकल के आता है। ठीक है, और ये निकाला गया है ग्लोबली 8%। ठीक है, कि मतलब हर बैंक को CAR 8% के आसपास मेंटेन करना है, लेकिन हमारे RBI ने बोला कितना मेंटेन करना है कि भाई 9%, कितना 9%। ठीक है, इसी इसी प्रकार दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये ग्राफ बताया था कि जो भी इकोनॉमी रहती है पहले पीक पे जाती है, फिर फॉल, फिर पीक, फिर फॉल, ये नॉर्मल रूल है इकोनॉमी का। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है हमारे बासिल के द्वारा कि भैया जब आप ये उफान वाले फेस में हो तो आप एक कैपिटल बफर तैयार करोगे। ठीक है, मतलब आपको एक कह सकते हैं सेविंग फंड बनाना पड़ेगा, और जैसे ही इकोनॉमी फॉल में आना चालू होगी तो उस फंड को उस टाइम पे यूज़ किया जाएगा, जिससे बैंक में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको कहा जाता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। और इसके बाद एक लिक्विडिटी बफर बनाने की बात की गई थी, ओके, जिसमें क्या किया जाएगा, लिक्विडिटी बफर में क्या किया जाता है, लिक्विडिटी बफर मतलब आपको 30 दिन का एक बहुत ही ज़्यादा लिक्विड बफर बना के रखना है। मैंने आपको बैंक रन के बारे में बताया था, कभी कभी बैंक्स के बारे में काफ़ी बेकार अफवाह फैला दी जाती है कि बैंक फेल होने वाला है। ठीक है, जब बैंक फेल होने वाला था ऐसी न्यूज़ लोग के पास जाती है तो लोग अपने पूरे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं बैंक का जो मैक्सिमम पैसा रहता है वो तो लोन में चलता है। सिर्फ नाम के लिए बैंक कुछ पैसा रखती है कि कस्टमर को रिटर्न कर सके, लेकिन जब एकदम से लोग डिमांड करने जाएंगे आपको पैसा, तो पैसा कहाँ से लाओगे, पैसा तो आपने लोन भी दे दिया है और आपको कभी कोई पैसा देगा भी नहीं। ठीक है, तो उसके लिए बैंक ने, हमारे जो बासिल ने बोला है कि भाई आप क्या करो कि 30 दिन का बहुत ही ज़्यादा लिक्विड बफर बना के रखो, मतलब इतना लिक्विड एसेट कि मतलब आप 1-2 घंटे में उसे कैश इन कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक रन की कंडीशन बन गई, ठीक है, तो आप तुरंत जो भी आपका एसेट है 30 दिन वाला उसको बेच दो और 30 दिन तक लोगों के पैसे वापस कर जाओ, बिकॉज 30 दिन में जो भी मैटर हो इश्यू मतलब सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज 1 से 2 दिन में ही गवर्नमेंट मतलब आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दे देगी भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब इस तरीके से जो बासेल नॉर्म्स हैं वो बैंक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, याद रखना CAR का जो रेशियो, याद रखना इट इज़ 8%, ठीक है, और इंडिया के केस में 9%, मतलब RBI ने खुद से 1% बढ़ा के रखा है। ठीक है, इसको मत भूलना, और ये सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसको रट्टा मान लेना, रट्टा माना हो तो, नहीं नहीं माना तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बैंक का जितना भी रिस्क वेटेड एसेट है, रिस्क वेटेड मतलब आप कह सकते हैं अनसिक्योर लैंड अपॉन बैंक के पास जितना भी पैसा है, टोटल एक्सपोजर, ठीक है, टोटल एक्सपोजर, तो उसको कहा जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि 8% है ग्लोबली और इंडिया में कितना 9%।
मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन के हिसाब से मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लो, आप क्वेश्चन भी देख लो कितने आसान आते हैं। ठीक है, आप पढ़ो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ अकाउंट होल्डर फेल टू रीपे ड्यूज। CAR इज डिसाइडेड बाई ईच इंडिविजुअल बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आवर करेक्ट? तो सेकेंड तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो ये दो करेक्ट इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, बिकॉज ये नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती, अब या तो वन होगा या फिर नाइदर वन और नॉट टू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ओके, हमने अभी भी पढ़ा कि मतलब अगर अकाउंट होल्डर कोई लॉस ऑफ कर दे, मतलब पैसे वापस ना करे, उसी के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन किया जाता है। ओके, तो आंसर इज वन। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन भी देखो, बासेल अकॉर्ड, बासेल थ्री अकॉर्ड और सिंपली बासेल थ्री ऑफन सीन इन द न्यूज सीक्स टू, आपको बताना है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप ऑप्शन भी देखो, इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, इसी से रिलेटेड है ना। आप सारे ऑप्शन पढ़ लो, बहुत ही आसान ऑप्शन है, आपसे बन जाएगा बहुत आराम से। तो आपने देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन पूछे भी नहीं जा रहे बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं भी बता रहा हूँ, अगर आपके पास आखिरी में कम टाइम बचा हो तो उस टॉपिक को रिवाइज मत करना। ठीक है, बस CAR याद रख लेना क्या होता है, रट्टा मार लेना अगर समझ में नहीं आए तो। याद रखना रट्टा मारने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको मार्क्स की जरूरत है। ओके, मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, डोंट वरी, आई थिंक आपको समझ में आएगा, बट जिसको नहीं भी आया तो ही कैन क्रीम, बिकॉज टॉपिक क्वेश्चन आना नहीं, इसलिए मैंने बोला है। अगर जहाँ क्वेश्चन आना रहता है वहाँ पर आप जानते हो, मुझे 10-10 एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी में हर एक टॉपिक में बार बार समझाया कि कैसे कंट्रोल हो रहा है इन्फ्लेशन, कैसे कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड एवरीथिंग। ठीक है, काउंटर साइक्लिकल बफर याद रखना और एक लिक्विडिटी बफर जो मैंने बताया 30 दिन का, वो याद रखना। ये रिस्क याद रखना, क्रेडिट रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, और ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम है पी जे नायक कमेटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बैंक्स को, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को रिफॉर्म करने के लिए कमेटी बनाई थी जिसका नाम था पी जे नायक कमेटी। ठीक है, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। ठीक है, जिसमें से काफ़ी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है। ओके, तो क्या रिकमेंडेशन है? सबसे पहले देखो, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स होल्डिंग इन PSB टू बिलो 50%। मतलब इसने बोला है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, सिंपल सा है। लेकिन आप जानते हो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हो भाई, तो आप क्या करो, एटलीस्ट बैंक को मर्ज करके कम कर दो। ठीक है, या अपनी शेयर होल्डिंग उनको कम कर दो। ठीक है, मतलब अगर आप 50% नहीं है तो एटलीस्ट 26% पे आ जाओ। मतलब आप यू रिमेन द मेजर शेयर होल्डर, बट आप अपनी जो भी शेयर होल्डिंग है PSB में कम करो, जिससे कि वो लोग अच्छे से मैनेज हो सके। ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, अदरवाइज आप उनको मर्ज करके कम कर दो। ठीक है, उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो आप PSB में जो आप अपॉइंटमेंट करते हो उनको प्रोफेशनलाइज करने की ज़रूरत है, मतलब प्रोफेशनल वे में अपॉइंट करने की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कि आपका फेवरेट बंदा है तो आपने उसको SBI का चेयरमैन बना दिया, कहीं यहाँ का चेयरमैन बना दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब उसके लिए हमारी फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उन्होंने बनाया बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। ये रहा क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। ओके, दिस इज द आंसर। ये हमने यहाँ पर पढ़ा, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हर करंट अफेयर की मैगजीन में था। इसके बाद ये क्या करता है, ये आता ना, सिर्फ रिकमेंड करता है, ये अपॉइंट नहीं करता है, ये सिर्फ रिकमेंड करता है कि कौन कौन बंदा PSB का हेड बन सकता है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है उनका चेयरमैन बन सकता है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, याद रखना सिर्फ रिकमेंड करता है। अगर यहाँ पर अगर स्टेटमेंट आ जाए दोबारा, मान लो UPSC कुछ आपके साथ खेल करना चाहता है और लिख दे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो अपॉइंट करता है, भाई वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सिर्फ वैसे रिकमेंड करता है, मतलब 8-10 नाम दे देगा। आप गवर्नमेंट के ऊपर है कि किसको चूज करेगी। ओके, साथ ही साथ उसने बोला कि भाई आप PSB कंसोलिडेशन करो, जो हमारे पीजे नायक साहब बोल रहे थे, और उसके बाद ये बैंक्स की मदद भी करता है कि जिससे वो लोग जो मार्केट से कैपिटल है उसको इजी टर्म्स में, इजी रेट्स पे इशू कर सके। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं एक्वायर कर सके। और इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि भैया जो भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओगे बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा, उनको अप्रॉक्सीमेटली आप 5 साल का फिक्स टर्म दो, मतलब उसका टर्म चेंज मत करना। इससे क्या होगा, जब वो बंदा सेट हो जाएगा वहाँ पर तो इजी वे में रिफॉर्म्स ले सकता है, और ऊपर से अब उनका फिक्स टेन्योर रहेगा, तो आप सब जानते हो पॉलिटी में पढ़ा होगा कि इलेक्शन कमिश्नर को फिक्स टेन्योर देने के रीज़न क्या है, तो सेम यहाँ पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दिस अबाउट पी जे नायक कमेटी। अब इनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे गॉड ने बैंक कंसोलिडेशन किया। ठीक है, बैंक कंसोलिडेशन मतलब आज से कुछ टाइम पहले 2017 से पहले अप्रॉक्सीमेटली 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे, अब इनको मर्ज करके 12 कर दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ओके, बट फिर भी इफ यू वॉन्ट टू सी आई हैव पुट द लिस्ट। 27 से कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं PSBs। अब इस इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, जो मर्जर किया गया उसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो तो इफ़िशेंसी की है।
मतलब कि सिंपल सी बात है कि SBI भी, PNB भी और जितने भी मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनकी प्रेजेंस हर जगह थी और वो एक दूसरे के कस्टमर काटते थे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक नाके पे SBI खुला है, दूसरे पे PNB खुला है, तो कुछ जो कस्टमर हो सकता था यहाँ जाते, यहाँ जहाँ यहाँ मतलब एक ही जगह जाते, लेकिन वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि यहाँ पर सर्विस अच्छी है, यहाँ पर सर्विस अच्छी है, जिससे क्या होते हैं इनके कस्टमर कटते हैं। कस्टमर कटते हैं तो आपको मैंने उसका कॉन्सेप्ट बताया होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल का। देखो ये आप समझ सकते हो एक एग्जाम्पल से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में जब रहते थे दिल्ली आने से पहले, तो आप सबके सब 20,000 रुपये में अपना खाना पीना खा लिया करते थे, मतलब पूरी फैमिली खाती थी। लेकिन अब वही 20,000 रुपये सिर्फ आपके पास सिंगल खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल्स थी, अगर लोग ज़्यादा हों तो जो रिसोर्स हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक ही बंदे के ऊपर भी सेम रिसोर्स यूटिलाइज होता है उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल्स नहीं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं करोल बाग, ठीक है, करोल बाग का भी एग्जाम्पल लो, वहाँ पर सारी की सारी IAS कोचिंग अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पर सारे के सारे बिजनेस आके स्टैब्लिश हो गए हैं, तो उन सबको इकोनॉमी ऑफ स्केल्स मिल रहा है। ठीक है, हर किसी का धंधा चलेगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो अगर कोई भी एक बड़ा लीडर आ जाता है, जैसे वाजीराम एंड रवि है, ठीक है, मतलब उसी के दम पे पूरा करोल बाग चलता है। ठीक है, उसी का नाम हर एक प्रेस वाला जानता है, हर एक नुक्कड़ वाला जानता है, वाजीराम एंड रवि, वाजीराम एंड रवि। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है इससे कि इनके आज वो जो इंडस्ट्री मतलब स्प्रिंगम कर जाती है, आपने देखा होगा ठेले वाले हैं, ये हैं, वो हैं, तो उनको इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, उनको रेडीमेड मार्केट मिल जाता है। सेम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, कि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंक होगा, तो मतलब सब लोग उसी बैंक के पास आएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप देखो, आज से कुछ टाइम पहले अगर PNB को भी 10 बंदे हायर करने पड़ते लोन देने के लिए, सेम SBI को भी 10 बंदे हायर करने पड़ते लोन देने के लिए, और दोनों की लगभग कुछ सैलरी भी अच्छी नहीं होती, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मिड वे में आ जाएंगे। मतलब आप जब PNB और SBI का मर्जर हो जाएगा, अगर ऐसा मान लो, तो उस टाइम पर क्या होगा, मान लो सिर्फ ये लोग 15 बंदे हायर करेंगे और उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, तो इससे इफिशियंसी बढ़ेगी, जो ओवरलैपिंग हो रही थी ना, एक ही काम दोनों बैंक कर रहे हैं, वो नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला कि भैया हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उनको कैपिटल देना नहीं है। ठीक है, उनका काम हमें ये भी है कि हम गुड गवर्नेंस उनको प्रोवाइड करें। गुड गवर्नेंस कैसे, कि जब अपना ये जो इंटरफेरेंस करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बड़े बड़े बैंक में नहीं करेंगे। ओके, तो ये भी गवर्नमेंट ने बताने की कोशिश की है। इसके बाद कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा मतलब ये बैंक कॉम्पिटेटिव होंगे। अब पहले मान लो उनके पास 10,000 करोड़ का फंड था सिर्फ। ठीक है, अब जब SBI का फंड भी मिल जाएगा तो फंड 20,000 करोड़ का हो जाएगा, तो ग्लोबली अपने आप को दिखा पाएंगे, भाई हमारे पास ज़्यादा पैसा है, वी आर क्वाइट स्ट्रांग एंड एवरी थिंग। ओके, इसके बाद दे विल बिकम सेल्फ सफिशियंट। ठीक है, सेल्फ सफिशियंट कैसे बनेंगे? अ बेटर एबिलिटी टू रेज रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब अब जो भी इन दोनों की जो भी मेन मैनेजिंग पावर है, इसका MD, इसका MD, ठीक है, मतलब ये जो मेन दिमाग वाले बंदे हैं वो इस जगह आ जाएंगे, तो ये लोग अपने दिमाग से चीज़ों को रेज कर पाएंगे, कैपिटल को रेज कर पाएंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये कंप्लेन रहता था हमेशा कि भैया पब्लिक सेक्टर बैंक इतने सारे कि हम उनको मॉनिटर नहीं कर पाते ढंग से, और वहाँ पर डिफॉल्टेड लोन आ जाते हैं और इतने सारे डिफॉल्ट और फ्रॉड देखने को मिलते हैं, तो ये भी कम होंगे। ठीक, गवर्नमेंट ये भी काम मॉनिटर अच्छा करेंगे, मतलब क्या सबसे पहले तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? बिकॉज जो ओवरलैपिंग होती थी काम पे, ठीक है, जो ओवरलैपिंग होती थी काम पे वो कम हो जाएगी, बिकॉज इकोनॉमी ऑफ स्किल्स बढ़ जाएगी। ओके, अगर इकोनॉमी ऑफ स्किल्स समझ में नहीं आया, टेंशन मत लेना, इसको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिकॉज वहाँ का टॉपिक है, अभी पढ़ाने बैठते तो बेमतलब को 10 मिनट वेस्ट हो जाते, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। ओके, डोंट वरी। इसके बाद सेल्फ सफिशियंसी आएगी, मतलब MD मिलेंगे, कैपिटल रेस कर पाएंगे अच्छे से, मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाएगी गवर्नमेंट, कॉम्पिटिव हो पाएंगे, ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, और गवर्नेंस भी इंप्रूव होगी। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे लॉसेज भी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 प्रोमिनेंट हैं। सबसे पहला तो भाई ये है कि डिसीजन मेकिंग में रिफ्ट आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल SBI का वर्क कल्चर अलग है, PNB का वर्क कल्चर अलग है, HDFC का वर्क कल्चर अलग है। अगर आप इनको मर्ज करोगे, इनको इनको तो नहीं बिकॉज ये तो प्राइवेट है, जब इनको मर्ज करोगे तो एक्चुअली फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा दोनों लीडर्स के बीच में। और आप कह सकते हो कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था गवर्नमेंट ने कि ग्रेट रिस्क ईजी होगा और कैपिटल रेजिंग में आसानी होगी, वो सब नहीं हो पाएगी। ठीक है, बिकॉज प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएंगी, मतलब एक दूसरे के सामने अड़ंगा लगा देंगे। इसके बाद अभी ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है और ऊपर से COVID-19 सिचुएशन आ गई, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी रुक जाएगी, बिकॉज कुछ टाइम लगता है बैंक को कल्चर मैच करने में। तो यहाँ पर जो बैंक्स को जो लोन दिया जाता था वो और कम मात्रा में दिए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर स्लो डाउन का चांस है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रीज़न है, लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा देखा जाएगा। ओके, और एक और जो सबसे बेकार वही बात कही जा रही है कि जो नरसिम्हम शाह थे, ठीक है, नरसिम्हम राव जो थे, जिन्होंने जिनकी कमेटी के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने भी बैंक मर्जर की बात की थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि आपको वीक बैंक से जो बड़े बैंक हैं, मतलब पावरफुल बैंक हैं, उनको मर्ज नहीं करना, बिकॉज जो आप सोचो कि आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, अगर मैं आपकी बॉडी में अच्छी किडनी निकाल के बेकार सी किडनी डाल दूँ तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। सेम यहाँ पर यही होने वाला है, तो ये उन्होंने मना किया था, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट है उसने यही किया है कि जितने वीक बैंक थे ना उनको बड़े बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया है। ओके, सो आप इसका कंक्लूजन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑल्सो टेल माई कंक्लूजन इन द कमेंट सेक्शन।
टिल दैट टाइम थैंक यू नाइस डे फ्रेंड्स, वी आर डन विथ बैंकिंग इन इंडिया। 12 लेक्चर लगे बट बहुत मज़ा आया चैप्टर को पढ़ के। हो सकता है कि आपको कहीं जगह बोरिंग लगा हो बिकॉज फैट ज़्यादा थे, बट ट्रस्ट मी अगर आपने इतना बैंकिंग कर लिया है सो आपको आगे बैंकिंग में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने वाली है, ठीक है। आप बहुत आराम से चीज़ को सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर में ये भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हों, मतलब हो सकता है कि आपको लगा हो कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी, लेकिन याद रखना वो मैक्सिमम फैक्चुअल होंगी, ठीक है। जो जितना भी आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आप न्यूज़ में आर्टिकल में कोई भी नया इशू आता है या विजन की मैगजीन में कुछ भी नया आता है, कहीं से भी आप पढ़ते हैं, सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेंगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखिए, आप अप्रॉक्सीमेटली 40% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इन्हीं तीन चैप्टर के कॉन्सेप्ट से बनते हैं, और करंट तो आपको पढ़ते ही रहना है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। आप अपने रिव्यू दीजिएगा कैसे लगे आपको बैंकिंग लेक्चर। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।